ये देखिए दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। ये सांप ने उसके बच्चे को पूरी तरह से झपेट में ले लिया है, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए हर तरह की मेहनत कर रही है। वो बार बार सांप को काट रही है इस उम्मीद से कि सांप उसको बच्चे को छोड़ दे, लेकिन ये सांप भी जो अभी हमला कर रहा है। साइज के हिसाब से देखो तो सांप उनसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन उस बच्चे की माँ अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और पूरी तरह से उसके साथ लड़ने लगती है। सांप भी सामने से 3-4 बार उसको डंक मार दिए, लेकिन अभी तक वो माँ हार मानने को तैयार नहीं है। वो हर बार एंगल बदलती है, दूसरी साइड से काटना चालू कर देती है, इस साइड से काटना चालू कर देती है, लेकिन तो अभी सांप नहीं जाता। अभी तक सांप को कोई भी नुकसान बड़ा नहीं हुआ। हम आखिरी तक देखेंगे क्या उसका बच्चा जिंदा रह सकता है या नहीं, या सांप उसका नाश पा कर जाएंगे। लेकिन जब तक उस बच्चे की माँ आसपास है, उसकी जब तक जान नहीं जाएगी तब तक इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगी, ये तो पक्का ही है। इसलिए दोनों एक साथ लड़ रहे। ये सिलसिला सिर्फ जानवरों में नहीं है, इंसान में भी है। पशु पंखी कोई भी हो, जब तक आपकी माँ साथ है तब तक कोई भी बड़ा खतरा हो या छोटा खतरा हो पहले अपने सर पे ले लेती है। मैंने कई बार देखा है कोई जानवर आपके उसके बच्चे को काटने वाला हो, ऐसा हो तो माँ अपने बच्चे को उठा लेती है, उसको काट जाए तो भी अपना बच्चा नीचे नहीं रखती। इसलिए तो सब लोग कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं होता, ये बात 100% राइट है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। अभी भाई क्यों तेरे पास टाइम नहीं है? अगर ये तेरे माँ बाप ने सोचा होता तो जब छोटा होता कि तेरे पीछे 5 साल क्यों बर्बाद करे, तुझे ही अनाथ आश्रम छोड़ दिए तो तू आज इस लायक होता नहीं होता ना। आखिर में जीत एक माँ की हुई, अपने बच्चे को उसने बचा लिया और सांप पूरी तरह से जख्मी हो गया है। अब एक माँ अपने बच्चे को लेकर अपने घर से